पहले तो मैं सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। इस प्रोड्यूसर डायरेक्टर को सबको और इसमें जितने भी कास्ट आए उनको सबको और ख़ास करके मीडिया को ये बताना चाहता हूँ कि आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मैंने कई म्यूज़िक वीडियो में गया हूँ मगर आज इसलिए मेरे लिए बड़ा दिन है कि मेरा लाडला चहिता स्टारों का स्टार सुपरस्टार कमाल खान साहब, कमाल जी इसमें हीरो हैं, जिसका टाइटल है बसेरा। जावेद मीर साहब इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। मैं देखे इतने एल्बम देखे, इतने गाने मैंने सुने, मैंने खुद ने भी 2500 से ज़्यादा गाने किए हुए हैं। तो इनका गाना सुनने के बाद मैं ऐसा लगा कि जितना प्यारा टाइटल है और जिस हिसाब से लड़का लड़की ने काम किया, कमाल साहब ने जो काम किया है और जावेद मीर साहब ने जो इसमें डायरेक्शन दिए, बहुत ही कमाल की दी है। और मैं समझता हूँ कि 2023 का सबसे बड़ा हिट म्यूज़िक होगा ये, और मेरी तो दुआएं हैं, आशीर्वाद है, बाकी मीडिया है जो इसको चलाएंगी। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब जब कोई नई चीज़ आती है और नए कलाकार आते हैं तो नए कमाल साहब नए नहीं है, मगर जब भी वो आते हैं तो हमेशा नए अवतार में आते हैं। ये जो बसेरा में जो आए बहुत ही कमाल लग रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ कि श्योर शॉट होगा और इस साल का सबसे बड़ा एल्बम होगा ये। सबसे पहले तो मैं कमाल खान जवाहर मेरे छोटे भाई हैं। जब से कमाल खान तो खैर पहले से मुंबई में है, मैं तो 2010 में आया हूँ पिपली लाइफ के बाद में, तो जब से मिला हूँ कमाल खान को जान रहा हूँ मैं, उन्होंने कैसे कैसे काम किया और आज वो जो काम किया है और कर रहा है उसको मैं देखते आ रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले उसको बहुत बहुत ऊपर वाले से, अल्लाह से, भगवान से ये दुआ करूँगा कि उस और अपना नाम कमाते रहे, आगे बढ़ते रहे। और बसेरा जो है एल्बम वो हर किसी के दिल में बसेगा, हर के दिल में बसेगा। बसेरा मतलब कहीं भी ऐसा नहीं छूटेगा कि जहां वो नहीं बसेगा, ये मेरी तहे दिल से दुआ है कमाल खान के लिए। और जावेद मीर साहब जो प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो कमाल खान को एक बहुत बड़े मौका दे रहे हैं और देते आ रहे हैं। और हमने इस बसेरा के अलावा एक फिल्म भी किया है कमाल भाई के साथ में, जिसका नाम है सुल्ताना। अभी उसका कुछ रिलीज शूटिंग बचा हुआ है, कुछ किए अभी, शायद 1 अक्टूबर में चालू होगा। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है इनका, काम हुआ है कि आगे बढ़ते रहे और इसी तरीके से बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। और इंडस्ट्री में तो कोई एक बैग बैठ के नहीं बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा करके आगे सब बढ़ते रहते हैं। और एक रात में किसको कब भी स्टार बनाते ऊपर वाले चले जाते हैं। तो मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा, अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि इस बसेरा रिलीज एल्बम के बाद रातों रात हमारे कमाल भाई स्टार बने, सुपर स्टार बने। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। मैं इस तरह के फंक्शंस बहुत सालों से देख रहा हूँ, मैंने भी बहुत काम किया है और मीडिया जिस तरह से आज यहाँ छाई हुई है बहुत दिनों के बाद में देखा है इतना मीडिया का होना। बहुत अच्छा साइन है प्रोड्यूसर के लिए, डायरेक्टर के लिए। जावेद मीर साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और ताहिर कमाल खान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं एक ही बात कहूँगा, आज इंडस्ट्री का बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है इस वक्त, इतना बढ़िया टाइम चल रहा है कि बहुत सालों के बाद में देखने को मिल रहा है गदर 2 सुपरहिट, पठान सुपरहिट, जवान सुपरहिट और बसेरा भी सुपरहिट। मैं दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि ये बसेरा जिस तरह से तीनों फिल्में सुपरहिट है, ये बसेरा भी इसी तरह से सुपरहिट हो, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और इसके हर इसकी टीम का हर आदमी सुपरहिट हो। ऑल द बेस्ट, गुड लक,
बाय बाय, जय हिंद। और बड़े बने, और बड़े बने या ना बने, लेकिन कोशिश जरूर करते रहिए, क्योंकि कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती है ना। तो मैं मीर साहब है जितने भी इसमें, क्योंकि ये जो कोई भी चीज, हाजी भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ फिल्म लाइन के बारे में, कि कोई भी चीज हर आदमी हिट ही बनाना चाहता है। कोई इस बात इससे ऐसे शुरुआत नहीं करता है कि आओ मिलकर एक फ्लॉप चीज बनाना चाहता, कोई शुरुआत नहीं करता। तो हर चीज हिट बनाना चाहता है, और हर चीज बनने में बहुत मेहनत लगती है, चाहे बुरी चीज भी बने, लेकिन बुरी चीज बनने में भी मेहनत उतनी ही लगती है, बहुत मेहनत लगती है कोई भी चीज बनाने में। तो हम बस खाली ये मेहनत का हम ये देखना चाहते हैं कि वो मेहनत सही दिशा में की जा रही है। और जब ये देखूंगा मैं, अभी तक तो मैंने ये गाना देखा नहीं है, टीजर देखा नहीं है, जब देखूंगा तो मैं डेफिनेटली ताहिर को फोन करके बताऊंगा कि तेरी मेहनत सही दिशा में है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द टीम, और आप सबका धन्यवाद। आप बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी म्यूजिक एल्बम की लॉन्चिंग है या किसी बड़ी फिल्म की लॉन्चिंग है, इतने सारे पत्रकार भाई हमारे सामने आए हुए हैं। तो उन सबके लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया था कि आप सब, जितनी बड़ी तादाद में बहुत कम देखता हूँ, देखते नहीं। जी जी जी, बहुत बड़ा आपका योगदान हो, आपका योगदान हो, प्रोड्यूसर का दिल बहुत बड़ा आपके लिए आए, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में आए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा बस, और क्या। आज तो हम दूसरे के प्रोग्राम के लिए आए हैं, आज तो आपको एक्चुअली ताहिर कमाल खान को बीच में दिखाना चाहिए और उनसे सवाल जवाब देना चाहिए, है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और भी बहुत सारे सर, पूछोगे ना आदिल भाई, आप जो जिस तरह के कमाल भाई बाइक पर बैठा हुआ है, एक चॉकलेट हीरो ले रहे, क्या आप टिप्स देना चाहते हैं कमाल भाई का? सर झटका लगा अभी अभी, सर झटका लगा अभी अभी, अभी झटका लगा। मेरा भाई इधर है कल्याण जी, जो हमें हर चीज़ में जोड़ने की कोशिश करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट इट, और मैं चाहता हूँ ये गाना बहुत अच्छा सफल हो। आप भी जुड़े हैं उस बैनर तले, आपका भी शूट होने वाला बहुत जल्दी दुबई में, जैसे कल्याण जी ने बताया, कितना एक्साइटमेंट है कि आप भी वो जल्दी भाई का दिल इतना बड़ा है, उन्होंने कमिट कर दिया है मेरे लिए, मेरा प्रोजेक्ट है। दुबई है 27-28 हमारे बीच में इशार साहब आए हैं, मैं पूरी बसेरा की टीम को, बसेरा के प्रोड्यूसर, बसेरा के डायरेक्टर, बसेरा के डीओपी से लेके हर एक इंसान को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि बसेरा एल्बम अच्छा जाए और हिट रहे। और दोबारा मैं कहना चाहता हूं, मेरा भाई कल्याण जी के हमको इस सब चीजों में जोड़ते हैं, और ये बहुत अच्छे इंसान है, और इनका मैं इतना बोलता हूं, मेरा भाई मेरी जान, अगले महीना जो हमारे दुबई में शो हो रहा है, सबको पता है, पूरी मीडिया का पता है, 27-28 को दो दिन का मेरा दुबई में मेरा प्रोग्राम है। मेरा भाई, मेरे दोनों भाई मेरे साथ में है, हाजी भाई तो यहाँ का शहंशाह है महाराष्ट्र का, तो ये मेरा साथ है, मेरा बड़ा भाई की तरह। आदिल भाई मेरे साथ में है, राखी मेरे साथ नहीं है और ना रहेगा कभी ज़िंदगी में, नहीं लिखे गया था अभी उसका पत्ता काट, आप उसका जिंदगी भर के लिए पत्ता काट ना, उसको कभी जिंदगी में अवार्ड देगा, उसको बाल्टी अवार्ड देगा, मैं वो भी मुंबई में देगा उसको, मेरे अवार्ड शो में 25 मैं अवार्ड शो करता हूँ साल में, उस अवार्ड शो में कभी जिंदगी में उसको मैं नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बोला जो 2 लाख रुपया मैं लेता हूँ, तो वो ठसन मेरा अंदर है, और जब तक नहीं बोलेगा जो किससे लिया मैंने और कौन सी बैंक में मेरा पैसा आया है, आदिल भाई ने दिया है, वो तब तक। भाइयों को नमस्कार, और देश दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को नमस्कार, गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हर कलाकार का जब कोई भी फिल्म या म्यूजिक किसी भी माध्यम से उसका कुछ रिलीज होता है, तो उसके लिए ईद और दिवाली होती है। हम लोग खूब संघर्ष करके जब किसी चीज़ को दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो बहुत घबराहट रहती है कि पता नहीं इसको
पब्लिक एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन ज़िंदगी में मैंने क्रिकेट बहुत खेला है, इसलिए मैं सिंगल रन को अपनी जिंदगी जीवन में बहुत मायने देता हूं, क्योंकि सिंगल रन बना बना के ही सेंचुरी बनती है। तो हम लोग ने कोशिश की है, जे एक्स म्यूज़िक कंपनी जो जावेद मीर साहब ने शुरू की है, माशाल्लाह मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जावेद मीर साहब का, जिन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया। और एक नहीं तीन तीन गाने बनाए और तीन गानों के साथ एक म्यूज़िक चैनल लॉन्च किया जिसका नाम है जे एक्स म्यूज़िक म्यूज़िक जे एक्स स्टूडियो म्यूज़िक कंपनी शुरू की। इसी गाने से आज माशाल्लाह एक कंपनी का निर्माण होगा। तो कहते हैं जैसे कि आप सब जानते हो कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई नया होता है, जैसे कभी आप भी नए थे कभी मैं भी नया था। हम लोग काम करते करते कहते ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम लोग बूंद बूंद से कोशिश कर रहे हैं घड़ा भरने की। जैसे कि आप सब जानते हैं आजकल गरीब घरों से लड़के लड़कियाँ लड़कियों का एक्टर बनना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत कठिन काम हो गया। लेकिन अगर इंसान मेहनत करता रहे कुछ ना कुछ करता रहे, कहते ना अब से काफ़ी साल पहले राज कपूर साहब ने कहा था कि द शो मस्ट गो ऑन, जद्दोजहद जुस्तजू हमें अपने जीवन में अपने कार्य में जिस क्षेत्र में भी हम हैं उसमें करते रहने चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को। तो मेरा मानना यह है कि आज माशाल्लाह बाबा न्यूज़ माध्यम के चैनल के माध्यम से और जावेद मीर साहब के माध्यम से हमने देश दुनिया के लिए एक म्यूज़िक वीडियो प्यारा सा बनाया है, उसको उसका पर्दापण हो जाएगा इंशाल्लाह आप सबके सामने। तो उम्मीद करता हूँ देश दुनिया के सभी लोग काफ़ी लोग इसको सब पसंद करें, और जैसे कि आप सब मुझे दुआएं प्यार आशीर्वाद दुआएं देते हैं उस तरह से आप मुझे अपना प्यार आशीर्वाद दुआएं दें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द इंशाल्लाह जैसे कि आपको मैं बता दूं कि बहुत जल्द इंशाल्लाह मीर साहब के और हमारे काफ़ी लोगों के सहयोग से एम मकसूद साहब के सहयोग से सुल्ताना फिल्म माशाल्लाह फ्लोर पे है, कंटिन्यू शूटिंग चालू है। 5 तारीख से हम बॉम्बे फिल्म सिटी में शूट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि अगले महीने तक फिल्म शुरू हो जाएगी, बहुत जल्दी इंशाल्लाह उसका पर्दापण आपके सामने करेंगे। और मैं ये बताता हूं कि हमारे बीच में काफ़ी सारे लोग हैं, कल्याण जी हैं हमारे, सुनील पाल जी हैं, गोयल साहब हैं, इरफान भाई हैं, आलम भाई हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं जो इस वक्त हमारे साथ में हैं। मैं सभी दोस्तों का और जहाँ तक भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार दुआएं आशीर्वाद मुझे इसी तरह देते रहें, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मीर साहब ने और हमने काफ़ी पैसे खर्चे किए एक्चुअली, और काफ़ी जगह हमने मतलब इसके लिए जैसे कि हम लोग दुबई भी चले गए थे, 15 दिन हम लोग दुबई रहे, कल्याण जी के माध्यम से भी हम लोग एक अवार्ड शो भी गए, लोकेशन देखे हमने, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन किसी वजह से हम लोग दुबई में शूट नहीं कर पाए। फिर हमने कोशिश करके इसको मुंबई में बेहतरीन लोकेशनों पे फिल्माया, तो बहुत प्यारा DID का एक जो सिंगिंग कंपटीशन होता है उस कंपटीशन के लड़के आयुष शर्मा ने इसको गाया है, बहुत ही प्यारी सुरीली आवाज़ में है माशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको खूब पसंद आएगा, बस इंशाल्लाह बहुत जल्दी। आज आपने पोस्टर देख ही लिया है, गाने भी देख लिए, बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपको ये गाना यूट्यूब चैनल पर जे एक्स म्यूज़िक स्टूडियो पे आपको बहुत जल्दी इंशाल्लाह ये देखने को मिलेगा। पहले तो आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, और आए हुए सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। बड़ा कीमती समय निकाल के सब लोग आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टैलेंट का जहाँ तक सवाल है तो वो अपने आप नज़र आ जाता है, काफ़ी लोग के साथ उठना बैठना होता है, तो उसमें कमाल ने मुझे हमेशा एक नज़र आया कि ये एक्टर है, आने वाले कल में एक काफ़ी राइज करेगा।
और इसी के साथ कमाल के साथ साथ इरफान रजा मेरे साथ में काफ़ी टाइम से हैं, तो सब लोग एक बहुत बड़ी टीम बनती गई और हम लोगों ने काम को शुरू किया। फिर काफ़ी लोगों से मिलना जुलना करते करते डिसाइड किया कि एक अपना खुद का म्यूज़िक कंपनी चालू करते हैं, उसको यूट्यूब पर चालू करेंगे और उसी के माध्यम से आज हम आपके सामने हैं और काफ़ी चीज़ें करने का प्रोग्राम बना के बैठे हैं। इसका लिरिक्स इसी टाइप का है, बसेरा से मीट आउट होता है तो वो उसी हिसाब से रखा है। नहीं, शूट के दौरान हमारी पूरी टीम इतनी अच्छी टीम साथ में थी कि ना 1% भी कोई परेशानी नहीं हुआ। सब लोगों ने फुल सपोर्ट किया और फुली कोऑपरेट किया, शुरू से लेके आखिर तक बहुत अच्छा काम हुआ। सर आपका क्या तो पता है बसेरे के बारे में, क्या आप बताना चाहते हैं? बसेरे के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? बसेरा एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, अभी आप सुनेंगे उसको देखेंगे, और ये बहुत ही रिसर्च के बाद काफ़ी लोगों के गाने सुनने के बाद ये बसेरा गाना तैयार हुआ है। और इसको मैं अगर अभी स्टोरी रिवील कर दूंगा तो फिर थोड़ा मज़ा नहीं आएगा, आप गाना देखिएगा, बहुत प्यारा गाना है। और जावेद भाई ने जो एक जैक्स स्टूडियो म्यूज़िक कंपनी चालू हो रही है, आज आप लोग यहाँ पर हैं, आने वाले दिनों में एक ये बड़ा नाम होगा इंशाल्लाह, और आप लोग बेहतरीन दुनिया भर के गाने वर्ल्ड म्यूज़िक आप इस पर सुनेंगे इंशाल्लाह। तीन चार गाने हैं इसमें, एक मुझे बसेरा के वर्डिंग याद नहीं मिले, तेनु के समझा मैं उसके गाने दो लाइनें गाता हूँ। और तेनु की समझा तू की निकला, झूठ निकले सारे तेरे वादे, तू याद में तू याद जो अब अब आया होए दिल होए याद आया होए। तो सॉरी मैं सिंगर तो नहीं, लेकिन मैंने कोशिश की, बहुत प्यारा लिरिक्स है, इंशाल्लाह आप सबको खूब पसंद आएगा। जब देखो कोई भी प्रोजेक्ट पे जब कोई काम करता है तो उसमें वो बड़ी मशक्क़तें लगती है उसको बनाने में, लेकिन माशाल्लाह बड़े प्यार से बना और बड़ा अच्छा अभी दुनिया के सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे मीडिया का, पूरे जगत का, पूरे वर्ल्ड का। थैंक यू सो मच। इन्होंने नाम निर्धारित सोचा है, उस मूवी का नाम ही सोचा है बसेरा। तो बसेरा का मतलब होता है जो जिनके पास कोई ना डेरा उसके लिए घर चाहिए बसेरा। ऐसे हमारे कल्याण जी भाई और फिरदौस जी और हमारे इशार साहब बहुत ही फिल्मों में, जिन्होंने बड़ी मूवी में डायरेक्टरशिप किया है, ऐसे इरशाद साहब, आज सौभाग्य की बात है कि इन लोग सब हमारे साथ में हैं। कल्याण जी जाने के बारे में तो आपको बोलना ही बोलें, कितना कम बोलें, कभी सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। दादा साहब फाल्के के नाम पे इतना बड़ा अवार्ड कराते हैं, वे इंटरनेशनल लेके चले गए, दुबई लेके चले गए। बसेरा मूवी जो बन रहा है उसके जो भी डायलॉग्स हैं, जो भी गाने हैं, ये बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों को चिन्हित करके उन लोगों से कराया जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि बसेरा मूवी भी सुपर हिट होगा। मैं सर दो ही लाइन बोलना चाहता हूँ, मेरे तरफ से बसेरा की पूरी टीम को, कल्याण भाई को, ताई भाई को दिल से तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है, देखिए मेरा एक ही बोलना है, मीडिया को मेरा नमन है, मीडिया हमारा हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ है और कमाल भाई हमारा पांचवा स्तंभ है, क्योंकि कमाल मेरा सब कमाल करते हैं, और कमाल भाई को मेरा नमन है, मीर भाई को मेरा नमन है, जावेद मीर साहब, क्योंकि इस जो एल्बम है इसका वो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, ताहिर कमाल खान साहब और इरफान साहब मिलकर इसमें भूमिका निभाया है, और मेरे बीच में बैठा है इशार साहब जो एक बेहतरीन डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक अच्छे इंसान है। मेरे साथ बैठे हैं जाने माने देश के समाज सेवक, बीजेपी के लीडर
हम सबके चहेते मेरे गुरु विशाल भगत साहब, फिरतोस मैडम हमारी बहुत जूनी दोस्त, एक अच्छी एक्ट्रेस, और जब भी मिलते हैं तो हंसमुख चेहरा लेके आते हैं, एक पॉजिटिविटी इनके अंदर है और इनकी हंसमुख चेहरा देख के लोग और हंसते हैं। तो ये लोगों को हंसने का वो काम करते हैं, हालांकि वो कॉमेडियन नहीं है लेकिन वो एक्ट्रेस है। और मैं इनके साथ में जितने भी लोग जुड़े हैं, ऐसा अड्डा पूरा आज मीडिया संभाला है, और साथ में हमारे सीनियर पत्रकार साहब मुंडे साहब हैं, हमारे सीनियर CVO जब चलता था चैनल तब से लेके अब तक, खबर 24 साहब पुष्कर साहब हमारे साथ हैं, तो गाजी भाई है जो रात को एक चीज़ देता है, भाई लिख दो तो लिख देते हैं साहब, तो तमाम यहाँ पे मेरे भाई हैं, मीडिया के धनुर्धर हमारा भाई बोलते हैं, तो हैं शंकर साहब और तमाम लोग मेरा भाई यहाँ पर है। खाली मैं इतने ही बोलना चाहता हूँ, बसेरा सबका घर का बसेरा हो और मेरा भाई का भी बसेरा हो, रैन बसेरा हो, और ये बसेरा इतना बड़ा हिट हो जो कमाल भाई इसी बसेरा में बस जाए और साथ में जावेद मीर साहब भी बस जाए, और इसके साथ साथ में हमारे बीच में सुनील पाल साहब हैं जो जाने माने कॉमेडियन हैं, एहसान खुर्शी साहब हैं, और साथ में हमारे अमित यादव साहब हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग आके चले गए, नत्था साहब चले गए आके, दिलीप साहब गए, आदिल साहब गए, आदिल द्रविड़ साहब, और साथ में हमारे मनसे के महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट हाजी साहब आके चले गए, हमारे साथ में काफ़ी सारे स्टार आके चले गए, बधाई दिए हमारे ताहिल कमाल खान साहब को। और मेरे गरीब के पास से पैसा नहीं है, मेरे पास गरीब आदमी हूँ, लेकिन मैं इतना बोलना चाहता हूँ ताहिल कमाल खान हिट हो जाए। ये तो एल्बम है, मैं चाहूँगा कि बसेरा के नाम से ताहिल कमाल खान और कल्याण दोनों मिलके एक मूवी भी बनाए। क्या बात है। हाँ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मेरा गुरु विशाल भगत, कल्याण जी कमाल हीरो और प्रोड्यूसर विशाल भगत, इस तरह डायरेक्टर अभी फाइनल कर दो। फिरदौसी, मैं यही बोलना चाहूंगी, मेरा दोस्त है कमाल खान, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बस मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और उन्होंने जो बसेरा म्यूजिक बनाया है, मैं पूरे टीम को उनके सबको शुभकामना देना चाहूंगी, और आई होप सब बहुत अच्छा होगा, आप देखेंगे, हम अभी आप लोग सब देखेंगे, तो बस उसको शुभकामना देना चाहूँगा, आगे जाके बहुत तरक्की करे, ऊपर वाला उसको बहुत कामयाबी दे, बस यही। आमीन महादेव। बस एक लास्ट है पुनीत साहब, आप आइए, ये हो गया है अभी।